बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र तवील है, राह नजात छोटी है, अली का ज़िक्र है बड़ा और हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली का और कायनात छोटी है। बेशक आप सब को बहुत बहुत ईद गदीर मुबारक हो। ईद गदीर के इस पुरमसरत मौके पर हमने जो है वो अपने डिजिटल कोचिंग सेंटर का भी आगाज़ किया है, साथ साथ आज का ब्लॉग जो है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, ईद गदीर के मुनासबत से है। यहाँ पर हमारी कोचिंग के बच्चों ने जो है वो कुछ जो है वो गेम्स वगैरह भी करवाए हैं हमने उनके साथ, और जो है वो हमने पार्टी भी करी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखें जी, आपको यहाँ पर सारे कैप्शन नज़र आ रहे होंगे और जो है वो ये कोचिंग सेंटर का जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें, यहाँ पर जो है वो क्लासरूम रूल्स भी बताए गए हैं, आगे भी आपने सारे जो है वो कैप्शंस देखे होंगे। तो ये सारे जो हैं वो क्लासरूम्स रूल्स हैं। यहाँ पर जो है वो टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, एजुकेशन इज़ फॉर, ये देखा आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखें, इमेजिन विद ऑल योर माइंड, बिलीव विद ऑल योर हार्ट, अचीव विद ऑल योर माइट। तो ये आपको जो है वो कोचिंग सेंटर की जो है वो शेयर कराई जा रही है। ये देखें, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कैप्शन लिखे हैं, और ये देखें जी, ईद गदीर मुबारक, आप सबको बहुत बहुत ईद गदीर मुबारक। यहाँ पर बच्चों को जो है वो हमने मनकबत भी पढ़ाई है, आगे जाके आप देखेंगे बच्चे मनकबत भी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो है वो सुनिएगा। आई।
देखें जी, मनकबत तो आप लोगों ने सुन ली होगी। अब यहाँ पर जो है वो पार्टी शुरू हो रही है, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया था मैंने, तो कुछ डिशेस जो है वो बच्चे भी बना कर लाए थे। तो यहाँ पर देखें जी, पास्ता बनाया गया था दो तरीके का, एक तो एल्बो मैक्रोनी थी और एक पास्ता था। ये देखें जी, कस्टर्ड जो है वो मैंने सजाया था बच्चों के लिए, कुछ कलरफुल्स मैंने बना लिया था ताकि बच्चे जो है वो खुश हो जाएं। ये देखें जी, ये छोले हैं, ये देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म के छोले थे। सब चीज़ें बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। तो ये देखें जी, ये एल्बो मैक्रोनी है, ये कस्टर्ड है, यहाँ पर जो है वो छोले रखे हुए हैं, ये जो है मैक्रोनी थी, और यहाँ पर मैंने इनके लिए कोल्ड ड्रिंक का भी एहतमाम किया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो किसी भी चीज़ का जो है वो लुत्फ़ नहीं आता है, इसके बगैर जो है वो इन्जॉयमेंट अधूरी रहती है। तो ये मैंने बच्चों के लिए सर्व किया जी, और ये बच्चे जो है वो अब अपने अपने प्लेटों में ले रहे हैं। ये देखें जी, मैक्रोनी जो है एल्बो मैक्रोनी है, ये देखें बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखें जी, कस्टर्ड जो है वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। ये देखें, अच्छा वो ये, हाँ ये जो है दही बड़े बनाए गए थे जो कि बहुत मज़ेदार थे, और मीठे दही बड़े थे। तो बच्चे जो है वो सब अपने अपने हिसाब से जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था शुरू में गेम्स वगैरह भी करवाए थे, तो ये देखें जी, बुक्स रख कर जो है वो ये लोग सरों पे, और ये लोग जो है वॉकिंग कर रहे हैं तेज़ी से। ये देखें, यहाँ पर विनर हैं हमारे हुर और अदीबा, ये हमारे अहमद और हुर हैं, इनके साथ जो है वो स्पून में जो है लेमन रख के इनको वॉकिंग करवाई गई थी तेज़ तेज़। ये हमारी महरीन और शाने हैं, ओहो शाने का तो गिर गया, चले भाई महरीन जो है उन्होंने कंप्लीट किया। ये हमारे इब्राहिम और गाजी हैं, इब्राहिम तो पीछे ही रह गए, गाजी तेज़ी से जा रहे हैं, और बच्चे जो है वो सब इनको जो है इनकरेज कर रहे हैं शोर करके। ये फिर एक दफ़ा अदीबा और महरीन हैं, तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। ये हमारे अहमद और मीसम हैं, ये देखें जी, अब अदीबा और अहमद हैं। अदीबा ने तो पहले ही गिरा दिया। ये देखें, अब ये छोटे दोनों हमारे गाजी और हिरा, गाजी ने तो अपना जो है वो लेमन गिरा दिया, हिरा जो है पहुंच गई हैं आगे तक। अब फिर अहमद और अदीबा हैं। इस तरह से बच्चों के लिए हमने छोटे मोटे गेम्स रखे थे ताकि बच्चे जो है वो खुश हो जाएं। फर्स्ट पोजीशन, खाने पीने के अलावा हमने गेम भी रखे थे इस तरह से। ये देखें, ये दोनों सेकेंड पोजीशन है, अदीबा और महरीन, और ये हमारी गर्ल्स हैं, ये हमारे बॉयज़ हैं। यकीनन आपने मेरे इस ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।